नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रोग्रेस फार्मिंग। जी हाँ, तो आज जो हम आपको गन्ना दिखा रहे हैं, जाना पहचाना नाम है, जाना पहचाना गन्ना है। इस गन्ने का नाम है कोसा 13235 और आप देख रहे हैं कि 8005, जिसको लोग बताते हैं कि सबसे ज़्यादा बढ़वार होती है, उस गन्ने को पीछे छोड़ चुका है हमारा यूपी में रिलीज्ड और यूपी में जिसको मान्यता प्राप्त है वो गन्ना कोसा 13235। और हमारे सामने एक किसान खड़े हुए हैं जिन्होंने बीघे में 140 कुंटल तक गन्ना निकाला है। तो आइए जानते हैं कि कैसे 140 कुंटल गन्ना निकाल लेते हैं, आखिर क्या राज है। आप देख रहे हैं गन्ने की लंबाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है कोसा 13235 की। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मील में बेचने के लिए हम किसी गन्ने को पैदा करते हैं तो 13235 एक बेस्ट गन्ना होगा फ्यूचर में, अगर हम मील में सप्लाई करेंगे, क्योंकि वजन के लिहाज से, लंबाई के लिहाज से, बढ़वार के लिहाज से, मोटाई के लिहाज से बेस्ट गन्ना होता जा रहा है। तो आइए जानते हैं मनोज भैया से। मनोज भैया, अपना परिचय बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है जी। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट वजीरगंज ब्लॉक ग्राम सहजा का रहने वाला हूँ जी। ये वैरायटी जो है शाहजहाँपुर से COS 13235 है जी। मैंने लगभग अब की वर्ष 2 हेक्टेयर गन्ना 13235 लगाया था। जो मेरा अक्टूबर का गन्ना लगा हुआ था वो गौरव भाई ने जो बताया अक्टूबर वाला, अक्टूबर में वही एवरेज दे रहा था। जो गन्ना आज देख रहे हैं ये 100+ दे रहा है एवरेज इस समय अप्रैल के महीने में। तो आज हम मनोज भैया के गांव में आए हुए हैं क्योंकि हमें पता चला था, दूर दूर से इनका नाम सुनते आ रहे थे, पूरा गोंडा में विख्यात है मनोज भैया। तो आज इनकी खेती देखने गया थे, वास्तव में खेती देखकर हम गौरवान्वित हो गए, खेती देख के हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि अब सीजन लास्ट चल रहा है गन्ने का, फिर भी हमें एक गन्ना देखने को इनका मिल गया। ये बोल रहे थे कि इनके पास जो ये गन्ना लगा है सबसे कमज़ोर गन्ना है, फिर भी ये गन्ना 140 का एवरेज दिया। तो सोचो अच्छा गन्ना कितने का एवरेज दिया होगा। तो अगर आप ऐसे खेती करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। तो आज हमें सीखने की ज़रूरत है मनोज भैया जैसे लोगों से कि खेती करें तो कैसे करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।